¿no? ¿Más mira la de ¿Me da más? Más guía, esto es bot trending, me lleva de más. ¿Más mira la de ¿Más trending? ¿Más trending? हम दिव्या जी जीत गए बिग बॉस या सो हैप्पी कंग्रेचुलेशन सो हैप्पी कंग्रेचुलेशन दिव्या मैम प्रतीक के लिए क्या बोलना चाहिए वो बैग उठा के चले गए थे अच्छा किया बैग उठा के चला गया अच्छा किया बट वो नहीं बैग उठाता तो जरूर जीतता बट बैग उठा के सलमान खान वाले शो में आ गया ये भी एक बहुत अचीवमेंट है और वक्त गुजारने मिलेगा प्रतीक को अच्छी बात है मुझे बहुत अच्छा लगा शर्मिता जी हाँ शर्मिता शक्ति मुझे उनका उनका सबका नहीं मालूम है पर मैंने पहले ही कहा था प्रतीक या तो दिव्या जीती क्योंकि हम लोग देखते हैं ना तो पता चल जाए सब करते थे लेकिन मैम अगर दिव्या की बात करें और भी कई सारे कंटेस्टेंट क्या लगता है कि और कोई था जो कुछ थे अंदर जो बिल्कुल ठंडे थे वो लोग बाहर आने के बाद वीडियो बनाए वो बहुत अच्छे थे लेकिन अंदर इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाए पर हाँ दिव्या ने बहुत अच्छा किया प्रतीक ने बहुत अच्छा किया नो डाउट बिग बॉस का हाउस होता है कुछ करने के लिए अंदर जाके पिकनिक मनाने के लिए नहीं होता है सोने के लिए नहीं होता है तो आपका कहना कि प्रतीक और दिव्या की गेम सही थी बापट की अगर बात करें तो राकेश बापट तो कैसा क्या रहता था दोनों की जोड़ी कैसी लगी मुझे राकेश बापट और शमिता शेट्टी की जोड़ी बहुत अच्छी लगी बट फिर भी उन लोगों में बहुत कन्फ्यूजन था कन्फ्यूजन बहुत था उन लोगों में प्यार में है नहीं है क्या है क्या नहीं आप जा रहे कि नहीं फिर सलमान खान वाले बिग बॉस में मुझे नहीं पता मैं तो अपने एक बिग बॉस कर चुकी हूँ अगर मुझे बुलाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे क्यों नहीं सुनने मारे कि आप जा रहे हो आप जाएंगे तो कुछ मजा आता है अच्छा मुझे नहीं पता डेफिनेटली अगर मैं किसी भी बिग बॉस में गई तो मैं आई ऑलवेज गिव माई 1000% आई डोंट गिव माई 100% जो कि लास्ट टाइम भी दिया था बिकॉज मेरी बुद्धि जो आती है वो ईश्वर की तरफ से बुद्धि आती है मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करती मैं आने वाली वीक में मैं नीति वचन पढ़ती हूँ और मैं अपनी बुद्धि के सहारे नहीं जीती हूँ मैं विजडम लेती हूँ गॉड से और गॉड को पूछती हूँ कि मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों को एंटरटेन करने के लिए उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए मुझे आपकी बुद्धि दो ताकि मैं ऐसे जो अभी वक्त चल रहा है उनमें मैं एंटरटेन कर सकूं बिकॉज यू नो व्हाट समटाइम्स आई फील कि मैंने जन्म ही लिया एंटरटेनमेंट के लिए और उसके लिए मैंने बहुत सहा है अपने पूरे ख़ानदान से मेरे मामा से मम्मी डैडी सबसे मार खाई हुई है सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड में आने के लिए सो आई समटाइम्स आई फील आई डिजर्व गॉड ने पूरी भी की हाँ पूरी पूरी की है डांसिंग बोलो एक्टिंग बोलो हर फील्ड में अच्छा किया है जरूर नहीं कि हर वक्त आप सक्सेस ही रहो उल्टी का विनर हम लोग ने देख लिया दिव्या अग्रवाल अब आने वाले हफ्ते में खतरों के भी विनर कोई ना कोई एक होगा ही तो क्या लगता है अर्जुन होगा शायद मुझे लगता है अर्जुन बिजलानी होगा शायद पता नहीं मतलब उनका स्टंट देखा है आपने कोई कोई एक स्टंट जो देखा थोड़ा बहुत देखे है ना मैंने अर्जुन है या फिर दिव्यंका भी हो सकती है जी विनर देखो विनर जो जिन्होंने अच्छा खेला है वही विनर होगा और कभी कभी देखो कोई अच्छा नहीं खेलता है बट लोगों का दिल जीत लेता है भले उसे ट्रॉफी ना मिले बट लोगों का दिल जीता वही ट्रॉफी होती है लाइक बिग बॉस की ट्रॉफी मुझे नहीं मिली बट मैंने लोगों के दिल जीत लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बार ट्रॉफी मिलने के बाद क्या आप दोबारा नहीं जा सकते तो क्या मैं अभी दोबारा तिबारा चौबारा हमेशा जा सकती हूँ क्योंकि मुझे तो ट्रॉफी मिली नहीं है तो मैं ट्रॉफी की तलाश में हर वक्त बिग बॉस में जा सकती हूँ अरे मेरा अधिकार है पब्लिक की डिमांड हो पब्लिक की डिमांड हूँ सलमान भाई की डिमांड हूँ बिग बॉस की डिमांड हूँ और मैं बोरिंग नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं मैं बोरिंग नहीं हूँ मैं वहाँ पे जाके कोना पकड़ के सो नहीं जाती जो कि 99% तो लोग करते हैं और ना ही मैं जानबूझ के झगड़े करती हूँ राकेश जो नाक नाक पर लगा था आपको जब गए थे ओह हाँ मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है मैं स्टंट नहीं कर सकती मतलब अंदर जाके इतना सारा सिलेक्टेड कर सकती हूँ क्योंकि
ऐसा नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, बट मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ और कुछ। थैंक यू मैम। थैंक यू। आ जाओ। चलो रे भाई, आ जाओ। मार दे आपके साथ। अच्छा पहले तुम तेरा मार। 10 मैम। मैं मार कर ना सुन लिया है ना। अच्छा मार सूट वाला। अरे रुको यार, खाता तो है। ओके मेरा मार। मैम खत्म।